नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। खबर सोनभद्र से है। आज जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने अमृत महोत्सव के तहत जिले के रॉबर्ट्सगंज नगर में तिरंगा यात्रा रैली निकाली। यह रैली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय DM ऑफिस से शहीद स्थल दुबे परासी तक निकाली गई। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे देश में अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज सोनभद्र में भी 500 बाइक के साथ जिले के कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर करीब 6 किलोमीटर की यात्रा तय कर अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा रैली निकाली है। जैसा कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ सभी लोग इससे जुड़ के और इस महोत्सव को मना रहे हैं। जनपद सोनभद्र में भी हम लोग पूरे उत्साह के साथ आज लगभग 500 बाइक्स विद झंडा, जो हमारे कर्मी हैं, वॉलंटियर हैं, उनके साथ में हम लोग लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा पूरे शहर भर से होते हुए और परासी दुबे, जो हमारा शहीद स्मारक है, वहाँ तक ये जाएगी यात्रा। और इसमें बहुत बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लिए हैं और जनमानस में जनपद सोनभद्र की जनता को ये पूरा संदेश रहे और वो लोग भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाएं। अपने हर घर में तिरंगा सबको लगाना है, ये मैसेज पहुंचाने के लिए आज हम लोगों ने ये यात्रा स्टार्ट की है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उत्तम शुगर मिल बरकतपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मिल के GM नरपत सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत मिल परिसर में तिरंगा झंडा लहराया और ग्रामीणों को तिरंगा झंडा देकर सभी से आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने की अपील की। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान चल रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के हर घर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में जो है बच्चे, बूढ़े और युवा सभी लोकतंत्र के चारों स्तंभ मिलकर हिस्सा ले रहे हैं और इसे ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि देश के कोने कोने में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अनेकों देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रैली और पदयात्रा के जरिए देश की आज़ादी और देश के भक्ति के लिए आम जन को जागरूक किया जा रहा है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूम पूरे शहर में देखने को मिल रही है। पूरा शहर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और देश के वीर क्रांतिकारियों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। रविवार को शाहगंज नगर में सामाजिक संगठनों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान पूरा जौनपुर देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा। खबर उत्तराखंड के पौड़ी जिले से है, जहां एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते हैं। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। CO सदर पौड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुकदमे में पुलिस पीड़िता के घर गई और परिजनों के बयान लिए थे, जिसके बाद युवती का मेडिकल करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट में युवती गर्भवती पाई गई थी। अभी के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।